क्या आपके मोबाइल पे नया नंबर से कॉल आता है और आप नहीं देखते हैं कि किसका कॉल है, तो अब आप बहुत ही इजी तरीके से जान जाएंगे कि नया नंबर से जो कॉल आता है वो कौन किया है। मैं आपको ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप जान पाएंगे कि नया नंबर से जो कॉल आता है उस पर्सन का क्या नाम है। वो एप्लीकेशन है ट्रूकॉलर। ट्रूकॉलर से आप 95% तक सही नाम जान पाएंगे कि वो जो पर्सन है कौन है जो हमें नया नंबर से कॉल किया है। और 5% बच जाता है तो 5% ऐसे लोग हैं जो नाम अपना सेट किए रहते हैं तो वही नाम शो करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रूकॉलर का यूज करना बताऊंगा। अगर आपके पास नया नंबर से कॉल आता है तो आप ट्रूकॉलर को ओपन कीजिएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन आपको कॉल किया है नंबर से उसका क्या नाम है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रूकॉलर का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आप जो है एक बार ट्रूकॉलर का यूज कर लेते हैं तो आप जो है हमेशा ट्रूकॉलर को यूज कीजिएगा और उसको जो है अपने मोबाइल से डिलीट भी नहीं कीजिएगा और हटाइएगा भी नहीं। ये जो है बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि उस सिचुएशन में आपको बहुत काम आता है जब कोई नया नंबर से फ़ोन आता है तो आप जो है नहीं जान पाते हैं कि कौन फ़ोन किया है। अगर आप ट्रूकॉलर अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको नाम लिखा के आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन हमें नया नंबर से कॉल कर रहा है। और 95% तक ट्रूकॉलर सही बताता है और 5% जो है आपको जो नाम सेट किए रहता है वही नाम उसमें लिखा के आता रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रूकॉलर का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे ट्रूकॉलर का यूज करें, इस्तेमाल करें और इस समय क्या क्या होता है। तो आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से ट्रूकॉलर का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोरी में आप जो है टाइपिंग कीजिएगा ट्रूकॉलर। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है डाउनलोडिंग होना स्टार्ट और मैं आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको प्ले स्टोरी में जाके आपको जो है ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ और यहाँ पे आप टाइपिंग कीजिएगा ट्रूकॉलर। जैसे ट्रूकॉलर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेटिंग जो है 15 मिलियन है और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो डाउनलोड हुआ है ये 500 मिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है कितना अच्छा है। तो इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेट स्टार्ट है, आपको गेट स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके आपको ओके कर देना, ओके वाला ऑप्शन पे। और ये यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पे अपना कंट्री चूज करने के लिए, तो आप जो भी कंट्री से है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटर योर फोन नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका यहाँ पे आपको डाल के यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कन्फर्म बोल रहा करने के लिए यहाँ कन्फर्म कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कन्फर्म करते हैं तो नीचे लिख के आ रहा है एग्री एंड कंटिन्यू, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सामने में कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलिंग का और यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपको मोबाइल को जो है वेरीफाई कर ले। यहाँ पे देखिए कि सक्सेस का लिख ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट्स कंटिन्यू, तो आपको इस तरीके से ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो है इसमें क्रिएट योर प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, तो या आप फेसबुक से कर लीजिए या आप गूगल से कर लीजिए या
योर नेम मैन्युअली, तो यहाँ पे नाम डाल के भी आप कर सकते हैं। तो नाम वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब जो भी नाम टाइपिंग करना चाहते हैं इसमें आप नाम टाइप, या यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। सामने में कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर लेटर वाले पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इस तरीके कुछ एड आएगा, आपको ये एड को हटा देना है। तो यहाँ लेटर वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, वो जो है यहाँ से आपका हट जाएगा। इस तरीके से एक बार इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है अपने स्क्रीन, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पूरा यहाँ पे आ चुका है। जो आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव किए हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको जो है नाम लिखा के आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में 3 डॉट जो है राइट साइड में, यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से आपका नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। और यहाँ पे अपना प्रोफाइल को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ सेटिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेटिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सेटिंग जो है पूरा यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आप जनरल सेटिंग, साउंड सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ आप ऐप लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं, कॉलर आई डी, डेट एंड डाटा एंड स्टोरेज। इसके बाद यहाँ आप किसी भी पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, इससे बैकअप भी आप बना सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्राइवेसी की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रू कलर का न्यूज भी देख सकते हैं, और यहाँ पर अबाउट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो है मैं आपको इसमें और ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट रहेगा वो आपके सामने में यहाँ पे देखिए नीचे आपको इस तरीके से वो शो कर देगा। यहाँ प्रीमियम का ऑप्शन है, प्रीमियम वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपको प्रीमियम मिलने वाला होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए आपको ये प्रीमियम मिलने वाला है, तो आप इतना जो है प्लान ले सकते हैं, 3 मंथ का, 1 ईयर का, और 1 ईयर का यहाँ पे देख रहे हैं 479 रुपया में आपको पर ईयर दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका ऑफर वगैरह चल रहा है। इसके बाद लोन वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी लोन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है टर्म एंड कंडीशन का, इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं इस साइड में, और यहाँ पर देखिए कि आपने ट्रू कलर का यहाँ पे बार कोड स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बार कोड परमिशन को अलाउ कीजिएगा, तो यहाँ से जो है आप कोई भी बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जो है बार कोड भेजता है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो का ऑप्शन, कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसमें कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है गूगल से भी इसमें फोटो अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक, यहाँ पर जो नाम है आपका नंबर आ चुका है, यहाँ कैमरा वाला है, कैमरा वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी इसमें जाइएगा, और यहाँ पे जो है फोटो ऐड कर लीजिएगा। तो वही जो कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे अलाउ कर लीजिए, पहले कोई भी पर्सन जो आपको कॉल करेगा तो यही फोटो उसको शो होगा। तो आप कुछ यहाँ पे ढंग का फोटो आप इसमें अपलोड कर लीजिए, जो भी फोटो आप रखना चाहते हैं तो अच्छा फोटो आप इसमें रखिए। ठीक, चलिए हम यहाँ डाउनलोड वाले पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको जो भी अच्छा फोटो लगता है वो फोटो जो है आप इसमें अपलोड कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ये फोटो, यहाँ पर जो है फ्रॉम गैलरी चूज कर लीजिए, यहाँ पर देखिए डन वाले पे क्लिक कर दीजिए, ये फोटो आपको यहाँ पे आ चुका है। यहाँ सेव वाले पे क्लिक करके इसको जो है आप जो फोटो को हमेशा के लिए सेव कर दीजिए ट्रू कलर पर। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर देखिए कि आपको फोटो जो है सेव हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं फोटो यहाँ पे लगाया हूँ, तो ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल वाले आइकन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से वहीं पे जाइएगा, और यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक आ लेते हैं, और यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ मिल जाता है जो आप जो है अपने अकाउंट में जो है चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप बहुत ही इजी तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में जाइएगा, और यहाँ सेटिंग में जाने के बाद जो है आप इसमें जो भी आप जो है चेंजिंग करना चाहते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक वाला ऑप्शन पे ओके कीजिएगा, और यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लॉक टॉप स्पॉन्सर, ब्लॉक हाइडन नंबर, यहाँ ब्लॉक नंबर, तो आप जो है ब्लॉक नंबर नोट इन द फोन बुक, इस तरीके से जो कि यहाँ पर देखिए माय ब्लॉक लिस्ट, अगर आप जो है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को सेव किए हुए हैं, अगर चाहते हैं उसको ब्लॉक करें तो यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए यहाँ से हम बैक आ लेते हैं, यहाँ पे जो है कलर आईडी मिल जाता है, यहाँ साउंड का सेटिंग भी कर सकते हैं इसमें जाके। यहाँ पर देखिए यहाँ ट्रू कलर मैसेज, तो यहाँ मैसेज भी सेटिंग कर सकते हैं, वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से, अगर मैसेज आएगा तो वाइब्रेशन होगा नहीं तो नहीं होगा, इस तरीके से साउंड को भी आप जो है कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में जाके यहाँ पर देखिए आप जो है कॉल आएगा तो कौन सा आप जो है साउंड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से भी बैक आ जाते हैं,
और इसमें आपको भर भर के आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ऐप लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज भी इसमें से चेंज कर सकते हैं, आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट इंग्लिश, इस वाले पे क्लिक करके आप जो है कोई भी लैंग्वेज इसमें जो आप जानते हैं वो लैंग्वेज जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसमें रख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ढेर सारा जो है लैंग्वेज आ जाएगा, जो भी आप लैंग्वेज आप जानते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश मराठी, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं इसमें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेपाली भी है, तो जो आप जो ही है हर कंट्री का यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने देते हैं क्योंकि ये पहले से था, तो हम इसको यही चूज कर लेते हैं और यही रहने देते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेसी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसे प्राइवेसी सेंटर वाले पे क्लिक कीजिएगा, इसमें जो है अपना प्राइवेसी का भी जो भी है यहाँ पर डीएक्टिव एक्टिव अकाउंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाय जो है आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ट्रूकॉलर से ये फ़ायदा होता है कि कोई हमारे नया नंबर से कॉल करता है तो वो उसका नाम 95% पता चलता है कि कौन हमको जो फ़ोन किया है नया नंबर से। और मैं आपको बताया कि अगर आप नाम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे सेट करके शुरू में दिखाया हूँ, और या आप यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो भी आप नाम सेट कीजिएगा, अगर आप किसी भी पर्सन के मोबाइल पर कॉल करते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर उस पर्सन के मोबाइल में सेव नहीं है तो यही नाम शो होगा उस पर्सन के मोबाइल पे कि हाँ भाई काजल कुमारी के नाम से कॉल आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई जो है सेटिंग नहीं करता है, सिंपली गूगल और फेसबुक से डायरेक्ट ओके कर देता है, तो उसका जो है रियल नाम बताता है कि हाँ भाई ये आदमी जो है कॉल कर रहा है। तो यही जो है आपका ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर में है पूरा 101% जो है या 100% जो है ट्रू नहीं बताता है कि हाँ भाई ये जो है कौन सा आदमी कॉल कर रहा है। कोई जो आदमी जैसे मैं आपको बताया सेटिंग कर दीजिएगा नाम, तो वही नाम से उस आदमी के मोबाइल पे जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी कॉल कर रहा है अगर आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ है। तो अगर आप जो है फेसबुक या गूगल से ओके करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो आपको जो है जो नाम है वो नाम उसके पर्सन के मोबाइल पर चल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ट्रू कॉलर का, ये फ़ायदा होता है ट्रू कॉलर का। अगर आप जो है किसी पर्सन का नाम जो है नहीं सेव किए हुए, मोबाइल नंबर नहीं सेव किए हुए हैं, अगर कॉल करता है तो उसका नाम पता चल जाता है कि हाँ भाई जो ये आदमी कॉल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है 100% वर्क भी नहीं करता है, सही नाम भी नहीं बताता है कि हाँ भाई यही आदमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे मैं अभी आपको सेटिंग करके बताया। सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर अपना सेटिंग कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर जाके बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है ट्रू कॉलर का सेटिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सो गाइस आपने इस वीडियो में ये सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई नया नंबर से कॉल आता है तो वो आप कैसे जान जाएंगे कि कौन पर्सन कॉल किया। 5% ऐसे लोग होते हैं जो नाम सेट किए जाते हैं वही नाम लिखा के आता है। तो आपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से ट्रू कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।